ज्यादा कैसे आप मैनेज कर लेते हो ऑनलाइन, हमारा तो नहीं हो पाता ऑनलाइन। पहला वीडियो था ना शॉर्ट्स वाला जो आपने मोटिवेट किया, जब देखे ना तो अंदर से लगता है मेरा खोल रहा है खून। हम पूरा एक एक लाइन उसमें हम लिखे थे डायरी में, वो जो मैंने बोला था। सो गाइस फाइनली मैं रेडी हो चुका हूँ नहा धो के अपने इस डे 18 ऑफ 150 हार्ट चैलेंज के लिए। आज जिस कैमरे में हम शूट कर रहे हैं, हम अपने नए कैमरे में शूट कर रहे हैं। अभी मुझसे रहा नहीं जा रहा था तो मैंने किसी से मेमोरी कार्ड उधार लिया है। एंड तुम लोग देख लेना यार, मतलब कैमरे का क्वालिटी क्या है। ये इंडोर में इतने कम लाइटिंग में मैं शूट कर रहा हूँ, तुम लोग देख सकते हो ये पूरा वाइड एंगल लेंस है। फ्रिज में पानी डालना भूल ही गया था तो इसको फ्रिज में रख देते हैं। वैसे भी आजकल फ्रिज में हमारा पानी ही नहीं रहता, पता नहीं हो क्या रहा है आजकल। पहले दिन हम कितना तैयारी करते कि हम आज से सफाई से रहेंगे, लेकिन कुछ दिनों बाद ना यही हालत हो जाता है। देखो यही सेम चीज़ हमारे दिमाग के साथ भी होता है, बट जो भी हो फिर से ट्रैक पे लाएंगे, हम कोशिश करेंगे। यू नो व्हाट गाइस, मेरी इस DJI Pocket 2 का कैमरा क्वालिटी आईफोन जैसा तो नहीं हो सकता, लेकिन मैंने इसको खरीदा ही क्यों है पता है गाइस? इसीलिए खरीदा है ताकि मैं इस फोन से ज़्यादा दूर रह सकूं और अपने कैमरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकूं। तो इसीलिए अपना आईपैड और अपना फ़ोन दोनों यहाँ पे रख दिया। तो चलते अपने मॉर्निंग आउटडोर वॉकआउट सेशन के लिए। पार्क में पहुँच चुका है एंड राइट नाउ तुम लोग देख सकते हो तो यहाँ पे एक वाइड एंगल लेंस भी साथ में था। तो वाइड एंगल लेंस को रिमूव करके देखते हैं। तो ये वाइड एंगल लेंस को रिमूव कर दिया, ये वाइड एंगल लेंस को हमने ऐड कर दिया। डोर में कुछ ऐसा फुटेज दे रहा है, तुम लोग देख सकते हो। चलो फिर गाइस जल्दी से अपने मॉर्निंग आउटडोर वॉकआउट सेशन को कंप्लीट करते हैं। तुम इस कैमरे की स्टेबलाइजेशन देख सकते हो गाइस। सो गाइस हम अपने कैमरे से काफ़ी ज़्यादा दूर आ चुका है, बहुत ज़्यादा थक भी चुका हूँ क्योंकि हमारा रनिंग हो चुका है कम्प्लीट। ही हा 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 हा। और ठीक हो, क्या हाल है? आप देखते हो 75 हार्ट अभी फॉलो कर रहे हो आप? नहीं फॉलो नहीं, हम तो बहुत पहले से करते हैं। हाँ गांव में भी रहते थे ना। हाँ यूपीएससी मेरा भी चल रहा है। हाँ यूपीएससी की तैयारी करो। हाँ मैं यहाँ पे संगम विहार साइड ही रहता हूँ। एक दिन आपका देखे थे कि संगम विहार। हाँ लोकेशन आपको वहाँ जो पेट्रोल पंप के पास। हाँ भी एक्सरसाइज किए थे है ना। हाँ 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 वीडियो में देखा। हम भी यूट्यूब चैनल स्टार्ट किए थे, लेकिन हम शॉर्ट्स वीडियो बनाते थे ये लेक्चर पे जो टॉपिक हो जाता था ना उसको। हाँ, 5 मिनट का बना देते। वो तो बहुत अच्छी बात है। हाँ तो सोचे कि अभी थोड़ा सा हम अपना कंप्लीट कर लेते उसके बाद। हाँ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पहले रिसर्च अच्छे से होना चाहिए ना इसमें, एडिटिंग में, शूट्स में। देखने वाले को तो आसान लगता है लेकिन एक वीडियो पीछे बहुत ज्यादा बिल्कुल मेहनत होती है। लेकिन जब आप अभी स्टार्ट कर रहे हो ना एडिटिंग करना ये सब करना, काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रहे हैं क्योंकि अभी आपने शुरू किया है। लेकिन अगर आप सालों से कर रहे हो आपको कम टाइम लगेगा, उतना टाइम नहीं लगेगा। अगर आप जो 2 घंटे में काम करते हो वो एक एडिटर को दोगे ना वो 10-15 मिनट में कर लेगा। तो इसीलिए मतलब आप करो चीज़ों को, बट अभी अपलोड मत करो, बट लॉन्ग टर्म के लिए सोचो। अगर आप अपलोड करना ही चाहते हो तो थोड़ा करो, दिन में आधा घंटा तो करो। जैसे हम कहते हैं ना कि हम बाद में स्टार्ट करेंगे, वो कभी होगा नहीं, बट करना है तो आप 24 घंटे होते हैं, आप 24 घंटे यूपीएससी के लिए तो नहीं पढ़ते होंगे, 10-12 घंटे उसमें से एक घंटा निकाल लो कि भाई प्रेस करना है। हाँ मैं ऑनलाइन कर रहा हूँ क्योंकि ऑफलाइन जाऊँगा तो मुझे तो पॉसिबल नहीं होगा ज़्यादा। कैसे आप मैनेज कर लेते हो ऑनलाइन, हमारा तो नहीं हो पाता ऑनलाइन। ऑनलाइन वही है, मोटिवेट नहीं हो पाते। इम्पोर्टेंट है कंसिस्टेंसी एंड डेडिकेशन, मुश्किल तो हो जाता है बट ऑफलाइन सही बात है। अगर हर किसी का अपना अपना मतलब जिस तरह आप ग्रोन अप हुए वो मैटर करता है। व्यू अच्छा जाता है, व्यूज तो लाइक बहुत करता है। हाँ लाइक तो करते हैं बट व्यूज तो कभी कभी अप जाता है, कभी डाउन जाता है, बट ये व्यूज मैटर नहीं करता। आप क्या बनाते हो, क्या कर रहे हो, वो मैटर करता है आप क्यों कर रहे हो। आपका जो पहला वीडियो था ना शॉर्ट्स वाला जो आपने मोटिवेट किया। हाँ
एकदम जबरदस्त वीडियो। वो जो शॉर्ट्स मैंने आईने में देखे, क्या हाँ। वैसे कंटेंट में बार बार बनाऊंगा, मैं अभी सोच रहा हूँ। वो हम जब देखे ना तो अंदर से लगता है मेरा खोल रहा है खून। हम पूरा एक एक लाइन उसमें लिखे थे डायरी में, वो जो मैंने बोला था। वीडियो को देखे ना तो लगा कि हम उसके पहले ऐसा वीडियो नहीं देखे थे, वो लाइन और वो कंटेंट। बस बस ठीक ओके फिर हाँ अच्छा फिर मिलते हैं मेरे भाई। गाइस फाइनली हमारे आज का आउटडोर वॉकर सेशन हो चुका है कंप्लीट। तो गाइस इस कैमरे का रिव्यू ज़्यादा क्या दूँ गाइस, तो तुम लोग व्लॉग में देखते रहोगे, इस कैमरे से मैं शूट करूँगा कुछ दिनों तक, देखते हैं क्या रिजल्ट दे रहा है। अभी बस प्रॉब्लम ये नहीं होना चाहिए हमें वीडियो एक्सपोर्ट करने में और वीडियो एडिट करने में, वो प्रॉब्लम कर रहा है तो हमें फिर से आईफोन पे शिफ्ट होना पड़ेगा, बट देखते हैं। तो चलते हैं अपने रूम पे। अबे दुनिया ने जो कहा तुमने उसे ही सच मान लिया, अबे तुम्हारे सपने तुमने अपने आंखों से देखे थे, दुनिया में करने के लिए बहुत कुछ था पर फिर भी तुमने वही सपना चुना जो तुम करना चाहते हो। अबे फिर आज किस से डर रहे हो, लोगों की कहे हुए बातों को मान रहे हो, अबे क्यों तुम अपने लिमिट्स को एक्सपेंड नहीं कर रहे, हजारों लोग करके दिखा रहा है। जो लोग कहते हैं तू नहीं कर सकता वो अपने लिमिट्स बताता है कि वो नहीं कर सकता, वो अपने बिलीव्स को तुम पे आके थोपता है, एंड फिर भी तुम अपने सपनों को रोन देते हो अपने पैरों के नीचे ये कह के कि तू नहीं कर सकता। गाइस खाना बनाना कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा सफाई भी कंप्लीट हो चुका है, तो जल्दी से अभी थोड़ा ऑमलेट बनाते हैं क्योंकि आज सब्जी नहीं बचा हुआ है। सो फिर गाइस अभी हम चाय पीते पीते जल्दी से अपने पढ़ाई के सेशन को आगे बढ़ाते हैं। फाइनली हमारा मेडिटेशन सेशन, बुक रीडिंग और पॉजिटिव अफर्मेशंस और हमारे यूपीएससी के 9 मंथ स्ट्रैटेजी कंप्लीट हो चुका है, ये पूरी तरह फाइनलाइज नहीं हुआ है, तो उसके बाद मैं तुम लोगों के साथ थोड़ा शेयर करूँगा क्या स्ट्रैटेजी मेरा रहेगा इन 9 महीनों के लिए। फाइनली हमारे सोसाइटी सी सेट और ऑप्शनल की क्लासेस कंप्लीट हो चुका है। फाइनली गाइस हमारे करंट अफेयर मेमोरी ट्रेनिंग सेशन और हमारे रिवीजन सेशन भी हो चुका है कंप्लीट। यू नो व्हाट गाइस, पिछले 2 दिनों से ना गाइस मैं क्लिस्थेनिक को नहीं जा पा रहा हूँ, जस्ट बिकॉज टीचर्स डे के दिन 5 घंटे उसमें चला गया, तो इस वजह से वो सारी चीज़ें कवर अप कर रहा हूँ, एंड नाउ मेरा एडिटिंग चल रहा है। ठीक करने के लिए हमारे पास एक लैपटॉप आया है, एक लैपटॉप को ठीक करना है तो उसको ठीक करते हैं। लैपटॉप किसी अपने का है तो हमने सोचा हम बना लेते हैं, तो देखते हैं कि इसमें क्या इशू है। थोड़ा सॉफ्टवेयर इशू है तो इस वजह से ज़्यादा इशू नहीं होगा, प्रॉब्लम नहीं होगा, तो ये जल्दी से ठीक हो जाएगा। सो गाइस जल्दी से अपना डाइट प्रिपेयर कर लेते हैं। पहले इसमें हम डालेंगे दलिया, फिर हम इसमें डालेंगे थोड़े फ्लैक्स सीड, इसको अच्छे से उबालने भी देंगे, फिर हम थोड़े सनफ्लावर सीड डालेंगे, फिर हम इसमें थोड़े चिया सीड डालेंगे, फिर हम इसमें थोड़े वाटरमेलन सीड्स देंगे, तो थोड़ा उबालने देते हैं। अब ओट्स हम लास्ट में डालेंगे क्योंकि इसको ज़्यादा उबालने की ज़रूरत नहीं पड़ता, अभी काफ़ी उबल चुका है, तो इसमें थोड़ा ओट्स भी डाल लेंगे, और सबसे लास्ट में डालेंगे हम दूध क्योंकि ये काफ़ी उबल चुका है, अब थोड़ा गर्म होने देते हैं। तो फाइनली हमारा डाइट रेडी हो चुका है, तुम लोग देख सकते हो इसको। गाइस फाइनली ये लैपटॉप भी ठीक हो चुका है और हमारा वीडियो अपलोड कर दिया, एंड तुम लोगों से बात करना भूल गया था, तो आज हमारे घर पे है दावत, और ये दावत हमने खुसूसन अपने भाई के लिए रखा है क्योंकि अभी भाई हमसे जुदा हो गए, तो इसीलिए उनके लिए हमने ये फीस्ट तैयार किया। तो भाई मैं तेल पीता हूं। कोको कोला नहीं पीना चाहिए। सो गाइस आज के अभी वॉकआउट सेशन भी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो पहले खाना खाएंगे, फिर 2 घंटा रेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद वॉकआउट करेंगे, और वॉकआउट ज़रूर करेंगे क्योंकि आज थोड़ा लेट तक उठना ही है। तुम लोगों को पता है यार, मैंने बोला था तुम लोगों को PWUPSC का एक वीडियो अपलोड कर दूंगा जो मैंने वहाँ एक्सपीरियंस किया, उसको एडिट करना,
तो इसलिए यार उसको एक्स्ट्रा टाइम देना ही पड़ेगा। तो फिर उसके बाद हम अपने वॉकआउट सेशन को कंप्लीट करेंगे। तो चलते खाना खाते गाइस। ये जा रहा है पूरा। सो गाइज फाइनली ये रहा हमारा आज का प्रोग्रेस पिक्चर हमारे नए कैमरे में। सो गाइज फाइनली हमारे आज का ये आउटडोर वॉकआउट सेशन भी कम्प्लीट हो जाता है और हमारे 75-150 हार्ट चलने का ये दिन भी कम्प्लीट हो जाता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली गाइज एक और टास्क कहना भूल गया। इस टास्क का एक मेन इंपॉर्टेंट मकसद है ताकि तुम लोग इस जर्नी में तो इन्वॉल्व हो, मुझे इंस्टाग्राम पे तुम लोग रोज लिख के भेज दो, बट आज के बाद मुझे चाहिए कि तुम लोग कमेंट सेक्शन में भी बताओ कि अगर तुम कुछ फील करते हो, नहीं करते हो, ठीक है, कुछ नया चेंजेस तुम्हें देखने को मिला, कोई प्रॉब्लम हुआ, तुम लोग वो शेयर कर सकते हो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली या तो तुम सिर्फ ये कह सकते हो मेरा ये दिन कंप्लीट हो गया, पर तुम्हें कमेंट ज़रूर करना है ताकि हर किसी को पता चले, हर किसी का इन्वॉल्वमेंट हो, ठीक है। बट ना इंस्टाग्राम पे तो सिर्फ मुझे पता चलता था, इसीलिए बाकी वीडियो को तभी लाइक करना जब तुम्हें वीडियो पसंद आए तो, बिकॉज इट लाइक ए फीडबैक फॉर मी, ठीक है। और वीडियो पसंद आके भी फिर भी तुम्हें कुछ इम्प्रूवमेंट करवाना लगता हो तो मुझे कमेंट करके बता दो ताकि मैं इम्प्रूवमेंट कर सकूं। तो चलो फिर गाइस आज के लिए इतना ही। वैसे कैमरे का फुटेज कैसा लगा वो बता देना कमेंट सेक्शन में। तो कल हम एक नए व्लॉग में मिलते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, नहा के सो जाता है। तो बाय बाय गाइस।